शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है वो जेल से सरकार चला रहा है। ये देश की जनता को दिख गया अरविंद केजरीवाल जी का असली चेहरा, उनकी भ्रष्ट सोच, और केवल पैसा कमाने वो राजनीति में आए थे, अपनी जेब भरने आए थे, आवाज उठाने की बात करते थे, नैतिकता की बात करते थे, वो अनैतिक कार्य भी करते रहे और नैतिकता दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती है। गंभीर भ्रष्टाचार, वो भी शराब जैसे घोटाले में शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है वो जेल से सरकार चला रहा है। ये देश की जनता को दिख गया अरविंद केजरीवाल जी का असली चेहरा, उनकी भ्रष्ट सोच, और केवल पैसा कमाने वो राजनीति में आए थे, अपनी जेब भरने आए थे। जब एनजीओ चला के जेबें भर के दिल नहीं भरा तो भ्रष्टाचार करके एक के बाद स्वास्थ्य मंत्री, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री सब जेल में है, सांसद से लेके उप मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री जिसके जेल में हो वो कैसी सरकार चलाते होंगे। दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है और ठगी ठोरी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले जेल से सरकार चला रहे हैं। अरे सबसे बड़ी बात तो राजनीति में नैतिकता की है। जिन्होंने अपनी नैतिकता ही बेच दी हो, अनैतिक कार्य में संलिप्त हो, भ्रष्टाचार के दलदल में जो डूबे हो, जिनका चेहरा आज काला हो गया हो काले कारनामे करके, आप उनसे नैतिकता की क्या उम्मीद कर। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।